वेलकम टू वॉइस व्हाट प्रेजेंट्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर मेक इन इंडिया। 1980 के दशक में पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता ने बरनाला में एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया, ट्राइडेंट ग्रुप। आज ये देश की बड़ी कंपनियों में शामिल है। यूरोपीय और अमेरिकन देशों में इसके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। यहाँ इनोवेशन पर खासा जोर दिया जाता है, तभी तो यहाँ हर दिन होता है स्मार्ट डे विद स्मार्ट एम्प्लॉयज। घर एक ऐसी जगह जहां बसता है हमारे सपनों का आशियाना। इस आशियाने को हर कोई अपनी तरह से सजाता, थोड़ा सा कोजी, थोड़ा सा ग्लैमरस। घर का हर एक कोना हमें अपनेपन का एहसास दिलाता है। यही अपनापन आपको मिलता है ट्राइडेंट ग्रुप में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से। ट्राइडेंट को जाना जाता है यहाँ बनने वाली होम लिनन और टेरी टॉवल्स के लिए, उनकी पेपर इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए, क्वालिटी यार्न और केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए। ट्राइडेंट ग्रुप की शुरुआत हुई राजेंद्र गुप्ता के सपने के साथ, थोड़ा सा कपास और राजेंद्र गुप्ता का भरोसा, और नींव पड़ी यार्न मैन्युफैक्चरर की यानी ट्राइडेंट ग्रुप की। राजेंद्र के जज्बे और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आज ट्राइडेंट विश्व की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल कंपनियों में से एक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरी टॉवल प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग 360 मिलियन टॉवल्स पर ईयर, प्रेजेंस अक्रॉस 150 कंट्रीज, फैमिली ऑफ 15,000 एम्प्लॉइज, 12 पेटेंट्स, मोर देन $3 billion कॉन्ग्लोमेरेट। One unique aspect about working at Trident, and this is as far as I can remember, has been that we value entrepreneurship and a passion to accomplish as much as we value experience. So on one hand, we have leaders who have been associated with us for years and decades together. On the other hand, we have a young, talented, agile workforce that's taking up bigger and bigger responsibilities and making us proud every day. A couple of years back, Trident envisioned its three BHAGs. Big, hairy, audacious goals, and they were to be a national brand, to implement Industry 4.0 and make Trident a digitized organization, and to be a 25,000 crore rupee company with a net margin of 2,500 crores with the help of 25,000 families by year 2025. We have been marching towards this goal and are very much on the way to be achieving these goals very soon. Rajendra Gupta ki visionary leadership, company ki holistic approach, future aspects par kaam karne ka samanjasya, Trident Group ko dusron se alag banata hai. राजेंद्र गुप्ता कंपनी के साथ साथ कम्युनिटी अपलिफ्टिंग में भी भरोसा रखते हैं। ट्राइडेंट फाउंडेशन के जरिए शिक्षा के विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक्षशिला, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रोजगार, ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, आम लोगों और कंपनी के एम्प्लॉयज और फैमिली मेंबर्स के लिए मधुबन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे कई इनिशिएटिव्स पर ट्राइडेंट ग्रुप अपना अहम योगदान दे रहा है। Our culture is based on some very basic principles of empathy, compassion, passion, and a general love for community and nation building. While that is reflected in most of the policies that we have around talent acquisition, I think it's safe to say that where diversity is concerned, for us, it's as much about men as it's about women. It's as much about the Ivy League graduates who bring with them so much of experience and so much of learning, as it is for those young men and women who want to make a life for themselves despite being born in families or in areas that may not have given them that opportunity. We reach out to them, we call them in, we ask them to be entrepreneurs, and we help them earn, learn and grow. Trident Group 5R concept ke saath environmental friendly approach ke liye bhi kaafi kaam kar raha hai. Water conservation, rain water harvesting, जीरो ग्राउंड वाटर इनटेक, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम, जीरो सॉलिड डिस्चार्ज, रीयूटिलाइजेशन ऑफ फूड वेस्ट और एनर्जी कंजर्वेशन जैसे बड़े और जरूरी स्टेप्स के साथ ट्राइडेंट ग्रुप लगातार आगे बढ़ रहा है। ट्राइडेंट ग्रुप की शुरुआत हुई राजेंद्र गुप्ता जी के सपने के साथ, थोड़ा सा कपास और राजेंद्र जी का भरोसा।
आपके जज्बे और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ट्राइडेंट ग्रुप आज दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल कंपनियों में से एक है। आइए जानते हैं ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता जी के संघर्ष से सफलता की कहानी। स्वागत है राजेंद्र जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में वॉइस वॉट प्रेजेंस इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर्स मेक इन इंडिया। थैंक यू पूर्णिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बातचीत करने आए। राजेंद्र जी आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका संघर्ष से सफलता का ये सफर। सफलता कम आनंद देती है और अगर कभी ना सफल रहे और जो चैलेंजेस होते हैं वो आपको ज़्यादा सिखा के जाते हैं। तो मैं समझूंगा कि चाहे सफ़र में उतनी ऊंचाई हासिल नहीं कर सके या उतनी सफलता हासिल नहीं कर सके, लेकिन सीख बहुत मिली है। राजेंद्र जी आपकी सोच इंडस्ट्री 4.0 की ओर अग्रसर है, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले फ्यूचर में किन खास बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए इंडस्ट्री 4.0 तो एक नेसेसिटी है आज, जिस तरीके से चाहे ई कॉम है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल वर्किंग है, आज गवर्नमेंट के साथ जितनी आपकी वर्किंग है सारी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, कस्टमर के साथ जितनी प्लेटफॉर्म पे है, तो प्रैक्टिकली द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेयर वी हैव टू बी देयर ऑन अ डिजिटल 4.0। वेरी ईजी टू यूज़, इट विल बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, इट विल मेक मोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट विल ब्रिंग द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन देयर टिप्स। तो इसके अपने अपने एक फ़ायदे हैं। राजेंद्र जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं। आई थिंक इंडिया इज़ मूविंग विद ए वेरी वेरी रैपिड स्टेज इन मॉडर्नाइजिंग एंड इन ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग क्वालिटेटिव टेक्नोलॉजी एट पार विद द वर्ल्ड एंड दे आर कोपिंग विद द वर्ल्ड कैपेसिटी टू बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ अब्सॉर्बिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट्स आई थिंक इंडिया इज बिकमिंग एन एग्जाम्पल। कंपनी को बुलंदियों तक पहुँचाने के साथ साथ कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट पर भी आप खासा ध्यान दे रहे हैं। ट्राइडेंट फाउंडेशन की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप किस तरह से योगदान दे रहे हैं। ये सफ़र है और सफ़र की कोई बुलंदी नहीं होती, जब आप सफ़र में है तो कोई बुलंदी नहीं है। जो फाउंडेशन है उसमें देखिए कि दो चीज़ों पर हमारा मेन मुद्दे रहे, एक शिक्षा पे, वो भी वुमेन शिक्षा रहे या बच्चों की शिक्षा रहे, दूसरा हमारा हेल्थ केयर पे रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है क्लीवलैंड क्लिनिक, उसके बोर्ड पे भी हूँ और हमारा अपना भी एक मधुबन हॉस्पिटल है जो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ भी दो चार अच्छी ऐसी संस्थाएँ हैं जो मिशनरी तौर पर या हर हम कहते हैं वी आर इन टू दी गिविंग ऑफ एजुकेशन, वी आर इन टू नॉट द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, वी आर इन टू द प्रोवाइडिंग द हेल्थ नॉट इन द बिजनेस ऑफ हेल्थ। यहाँ पे गुण है, विद्या है, ज्ञान है और ज़रूरतमंद है और आप उसमें एक साधन बन जाते हैं, छोटे से साधन बन जाते हैं उनका संगम लाने के लिए। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी जाती है चाहे वो अपना प्राइमरी एजुकेशन लेती हों या उन बच्चों को जिनको एक अच्छी हेल्थ मिलती है या उन महिलाओं को जिनको कभी उन मेडिसिंस की या उन चीज़ों का अभाव रहता था जैसे उनको उनकी परवरिश में या बच्चा जनने में या सेहत में दिक्कतें होती थी। तो ये मैं समझता हूँ ये ऐसा कुछ नहीं कि हमने समाज को दिया, समाज ने हमें भी दिया होगा, मेरी स्कूल की फीस किसी ने भरी होगी। तो ये एक ऐसा चक्कर है, उस चक्कर में ये चक्कर अच्छा चल रहा है, हम सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के मैं अकेला नहीं, कंपनी के जो हमारे अच्छे मैनेजर्स हैं, अच्छे वॉलंटियर्स हैं, वो भी बहुत मेहनत काम कर रहे हैं। तक्षशिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए 30,000 से ज़्यादा युवाओं की स्किलिंग हुई, इसके जरिए उन्हें आगे करियर बनाने में मदद मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर आपने तक्षशिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी। 15 साल पहले हम उन बच्चों से मिलते थे लेकिन जो बहुत लायक थे, बड़े पढ़े लिखे थे, फर्स्ट डिवीज़न रहते थे, लेकिन 10वीं या 11वीं या 12वीं के बाद उनके पढ़ने के साधन नहीं होते थे, उनको अपने माँ बाप के साथ एक कमाई का साधन ज़रिया बनना होता था। तो हमने तब एक ऐसा सोचा कि दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी थॉट ऑफ अर्न, लर्न एंड ग्रो, कि आप कमाई भी करिए, आप सीखिए भी और ग्रोथ भी करिए। तो पहले तो हमारा जो प्रोसेस था काफ़ी उसमें काफ़ी बैरियर्स थे, जो बच्चे फर्स्ट क्लास थ्रू आउट रहते थे
और जो इकोनॉमिकली साधारण घर से बच्चे थे, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे थे, जिनमें आईक्यू बहुत स्ट्रांग था, मेहनत करने का बहुत जज्बा था, तो उनको हम लेके 20वें 30वें 40वें 50वें बैच में लेके हम उनको क्लासरूम स्टडीज़ भी देते थे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते थे। और मैं उनके साथ खुद भी एक समय लगाता था उनके साथ, और वो चीज़ ऐसी चली कि काफ़ी बच्ची हैं उसमें से, वो जिनने छोड़ा, हमारे साथ काम किया, अपने भाई को पढ़ाया, भाई पढ़ गया तो फिर खुद पढ़ने लगी, कुछ लोगों की इस आया से, इस सीखने से उनकी शादी अपनी मर्ज़ी की होने लगी। और पिछले कुछ समय में मुझे बड़ी खुशी है कि तक्षशिला के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने IFS में भी गए, IAS में भी गए, IPS में भी गए, MNCs में भी काम किया, और कुछ आज बहुत अच्छे अहदों में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की यहाँ युवा जो मेहनती है, काम करना चाहता है, अपने परिवार को पालना चाहता है, जिम्मेवार है, 30 से 40 हज़ार परिवार ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। आप उनको रोज़गार भी दे रहे हैं, उनमें आप उनको कमाने की क्षमता भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी दे रहे हैं और सीखने की और आगे बढ़ने की भी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी बहुत संतुष्टि है। एनवायरमेंट के प्रति भी कंपनी काफ़ी सजग है और कई इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है, इस दिशा में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसे अगर हम कागज़ की बात करें, ये टोटली एग्रो जो वेस्ट होती थी, तूड़ी या पराली जिसको जलाते थे, उससे कागज़ बनने लगा, उसमें पेड़ नहीं कटते और उसमें जितने केमिकल्स हैं वो भी सारे रिकवर हो जाते हैं, तो इससे प्रोसेस जो हीट है वो भी रिकवर हो जाती है। तो ऑर्गेनिक कॉटन की बात कहें, सोलर की बात कहें, पानी को कैसे कम से कम तरीके से यूज़ करना है, आज की डेट में टॉक्सिक डाइज एंड केमिकल्स ना हों, काम करने के तरीके के अंदर लाइट सही रहे, इकोसिस्टम, अगर आप देखें दे हाउ मच क्लोजर वी आर टू द नेचर एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द नेचर वी कैन इन द गिवन एनवायरनमेंट, तो एक उसमें एक प्रयास है, एक कदम है। अगर कहें कि हम कोई एग्जाम्पल हैं अपने आप में, एक हम कहें कि भी हम दुनिया में हम एक एग्ज़ाम्पल हैं, वो एग्ज़ाम्पल हम नहीं हैं। बहुत आगे अभी इसमें जाना है, सस्टेनेबिलिटी में, ग्रीन एनर्जी में, ज़ीरो डिस्चार्ज में, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करने को उसके अंदर है। आपके सफलता की बुलंदियों और कम्युनिटी अपलिफ्टिंग पर जो आपका समाज को योगदान है उस पर और भी चर्चा करेंगे और भी बातचीत करेंगे। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कई तरह के सम्मान से नवाजा जा चुका है, अब इस प्राउड मोमेंट के बारे में हमें बताइए और कौन सी वो चीज़ है जिससे आप खुद को मोटिवेटेड रखते हैं। कोई आपको सराहता है या पुरस्कार मिलता है या आपको कोई रिकॉग्नाइज करता है, तो स्वाभाविक है कि आप उससे प्रेरित भी होते हो और आप रिस्पॉन्सिबल भी होते हो। जब मुझे पद्मश्री के लिए कहा गया या डॉक्टरेट की उपाधि के लिए कहा गया या और किसी ऐसी रिकॉग्निशंस के बारे में कहा गया, तो लगता था कि हम तो इसके लायक या काबिल नहीं हैं, और उससे कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा अकाउंटेबल पाया। मोटिवेट तो नहीं, हमने अकाउंटेबल पाया कि नहीं, हमारी जिम्मेवारियाँ बढ़ी हैं और हमें अगर ये मिला है या अगर हमें यह सम्मान मिला है, तो अगर लायक नहीं तो और उसको लायक कैसे बनना है, उसके लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद और बड़ी। राजेंद्र जी, कोरोना काल की बात करें तो वो ऐसा समय था जब दुनिया भर में लोगों की नौकरियां जा रही थी, ऐसे समय में आपने लोगों को नौकरियां दी, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको उस वक्त में? एक या दो कंपनी होंगी जिन्होंने कोविड के दौरान अपने कर्मयोगी को 30 से 40% की सैलरी बढ़ाई। हमने कहा कि राज कोविड में आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसका कारण ये था कि हमें मालूम था उनका कोई प्रियजन, उनका कोई प्यारा, उनका कोई वो जिनका काम छूटा है, कमाई छूटी है, और उनके घर में आपदा भी, तो हमने कहा कि ना, जब तक हमारे पास है, अपने लोगों से आश्वासन दिया था कि जब तक हमारे पास खर्चने के पैसे, आपकी कमाई जो आपने इतने सालों से कमाई है हमारे पास है, अगर जब तक ख़त्म नहीं होती, ये आपकी है, आपकी खुशहाली के लिए,
आपकी खुशी के लिए, आपकी सेहत के लिए। जब भी कोई लॉकडाउन रहे, जब भी कुछ ऐसे, जब अगर उन्होंने काम किया है तो मैंने उनके साथ वर्क फ्लोर पे या आप कहेंगे शॉप फ्लोर पे उनके साथ काम किया है। प्राइवेट ग्रुप में वर्क कल्चर कैसा है, खासतौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को वर्क फोर्स में भागीदारी बनाए रखने के लिए क्या उन्हें खास तरह की कुछ सुविधाएं दी जाती है, उनके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए, या फिर बाकी कर्मचारी जो हैं उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाती है ताकि वो फुली मोटिवेटेड रहें? इस बात को कहना चाहता हूं कि ट्राइडेंट में वर्क कल्चर काफ़ी डिमांडिंग है। वी आर नॉट इक्वल बट वी आर मोर फेवरेबल टूवर्ड्स दी फीमेल जेंडर। उनको अगर कोई सोल अर्नर है उसको एक महीने की छुट्टी फालतू दी जाती है, शायद यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, दी फीमेल गेट टू मोर हॉलीडेज इन ए मंथ एज कम्पेयर टू मैन फॉर ऑब्वियस रीजन्स। आप सशक्तिकरण कहें, एम्पावरमेंट कहें, टेक केयर कहें, हम समझते हैं कि इनकी बदौलत हम एक नई जनरेशन को, नए प्रोसेस को, एक नई दुनिया को, एक नए हिंदुस्तान को जन्म देने की, अच्छे हिंदुस्तान को जन्म देने की एक जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे। संघर्ष से सफलता की बुलंदियों को छुआ, किस तरह से आपको अवार्ड्स मिले आपके इस सफ़र के लिए और समाज को आपने एक बड़ा योगदान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और तमाम विषयों पर कंपनी से जुड़े, ट्राइडेंट ग्रुप से जुड़े, ट्राइडेंट फाउंडेशन से जुड़े तमाम विषयों पर हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए आरजी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। होम टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक ट्राइडेंट ग्रुप किस तरह से अपनी ब्रांड को पोजीशन कर रहा है, इस बारे में जानते हैं यहाँ के सीईओ मार्केटिंग रजनीश भाटिया जी से। रजनीश जी, किस तरह से आप इतने कंपटीशन के बीच ट्राइडेंट ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांड को पोजीशन कर रहे हैं? इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मेरे हिसाब से एजुकेशनल मार्केटिंग है। अभी कंज्यूमर को हेल्थ हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में, शीट्स और टॉवल्स के बारे में सिखाया जाना ज़रूरी है। अगर आज भी कोई कंज्यूमर कुछ खरीदता है तो वो तीन चीज़ें मन में लेके जाता है कि प्रोडक्ट का रंग क्या है, महंगा है कि सस्ता है। सो वी वॉन्ट टू चेंज दिस नोशन, वी वॉन्ट टू ब्रिंग इन इंडिया आफ्टर अटेनिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन व्हाट वी हैव डन इंटरनेशनली, वी हैव सप्लाइड टू ऑल द पॉसिबल ब्रांड्स। नाउ दिस मेड इन इंडिया की जो हमारी धारा है उसके तहत हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल लग्जूरियस प्रोडक्ट इंडिया में दें। सो वी वॉन्ट टू बी इन द जोन ऑफ अफोर्डेबल लग्जरी। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, लेकिन उसको महंगा होना ज़रूरी है, हम ये नहीं चाहते। सो वी वॉन्ट टू बी इन द जोन एंड ब्रिंग ट्राइडेंट ब्रांड टू एवरी हाउस एंड मेक इट वेरी वेरी अफोर्डेबल विद एन इंटरनेशनल बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एंड ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि कंज्यूमर बिहेवियर में भी कई तरह के बदलाव आ रहे होंगे, इंटरनेशनल मार्केट से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, भारत में जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनके बिहेवियर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं? विद वॉट एवर हैपन्ड इन लास्ट टू ईयर्स विद कोविड एंड एवरीथिंग, देर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड पीपल डू नॉट वॉन्ट टू बाई ए प्रोडक्ट एज इज। कंज्यूमर इज वेरी अवेयर, कंज्यूमर वॉन्ट्स हाइजीन, कंज्यूमर वॉन्ट्स ए प्रोडक्ट विच कैन इंश्योर a good freshness, a good sleep when it comes to bed. So there is a lot of role, I would say, in innovation that has to come in coming days, and you have to make continuously your product unique by meeting these changing young dynamic requirements of the young lady of the house. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं अपने लग्जूरियस और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के ज़रिए, लोगों को उनको उन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप रीच की को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? मैं आपसे दो चीज़ों की बात करूँगा, एक इनोवेशन की, एक रीच की। जो इनोवेशन है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दीज डेज, बिकॉज इनोवेशन पहले क्या होती थी कि एक कंपनी फ़ोन बनाती थी तो दूसरी उस कंपनी से लड़ाई फ़ोन के लिए करती थी, आज वो लड़ाई रही नहीं। कैमरा इंडस्ट्री ने कभी नहीं सोचा था कि फ़ोन इंडस्ट्री आके कैमरा इंडस्ट्री को खा जाएगी। सो इट इज़ क्रॉस सेक्टर्स नाउ। सो व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन इन होम टेक्सटाइल्स, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम होम टेक्सटाइल्स में कम्पीट कर रहे हैं। क्या कल को हम एक मॉस्किटो रिपेलेंट बेडशीट बना सकते हैं, वो मॉस्किटो रिपेलेंट कंपनीज को हिट करेगी। क्या हम फ्रेग्रेंट बेडशीट या टॉवल बना सकते हैं, नहाने के बाद आप क्या यूज़ करते हैं, आप टॉवल यूज़ करते हैं फिर परफ्यूम लगाते हैं, क्या आप टॉवल ही परफ्यूम्ड बना सकते हैं कि परफ्यूम की ज़रूरत ही ना पड़े। सो दिस इज़ इनोवेशन। इनोवेशन इज़ एब्सोल्यूटली मूविंग आउट ऑफ योर इंडस्ट्री। सो
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं आज इनोवेशन के लिए ये देखूं कि सिर्फ धागा क्या बदलेगा, सिर्फ फाइबर क्या बदलेगा. क्या मैं ये देख सकता हूं कि मैं किसी और इंडस्ट्री को, किसी और सेक्टर को अपने होम टेक्सटाइल्स में ला सकता हूं कि नहीं. और हमारी ट्राइडेंट की यंग टीम अंडर लीडरशिप ऑफ आवर चेयरमैन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट इन दिस. एंड एज वी आर ग्रोइंग एंड आवर ब्रांड इज़ वेरी यंग इन इंडिया एंड लाइक यू टॉक्ड अबाउट रीच, हम एक सपना देखते हैं कि 3 साल में घर घर में ट्राइडेंट. और घर घर में अगर ट्राइडेंट पहुँचाना है उसके लिए हमने अपने लिए 2 गोल रखे हैं. पहला गोल सिंपल है कि मेट्रो में एक कंज्यूमर को, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक वर्किंग लेडी हैं, आपको मेट्रो में 4 किलोमीटर से दूर ना जाना पड़े प्रोडक्ट लेने के लिए. और आप अगर छोटे शहर में रहते हैं तो आपको 2 किलोमीटर से दूर ना जाना पड़े उस प्रोडक्ट को लेने के लिए. नाउ चैनल्स कैन बी डिफरेंट. चैनल्स आर, हम अपने एक्सक्लूसिव स्टोर खोलेंगे. आज हमारे 19 हैं, हम इनको इस साल के अंत तक 50 स्टोर पर ले जाएंगे. हम आज की डेट में जो जनरल ट्रेड है, छोटे स्टोर्स हैं, हम 1900 स्टोर में हैं, हम 4000 स्टोर में चले जाएंगे. लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स और मॉल, हम उनके ज़रिए भी जाएंगे. तो हम ऑनलाइन स्पेस से भी ये सब दरियाओं को यूज़ करते हुए हम ट्राइडेंट को घर घर ले जाने का सपना एज ए अफोर्डेबल लग्जरी ज़रूर पूरा करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया ट्राइडेंट ग्रुप के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए. थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, माई प्लेजर. If I were to sum up the culture of Trident in one word, the thing that comes to mind instantly is that its opportunity is unlimited. Whether you're looking to join us, whether you're looking to grow, whether you're looking to build a family with us, this is the place where people build careers, where people build lives.